सर्वभूतेषु मा लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओलितबलधाम हेम शिरावदेहम तद्वन किसान ज्ञानी नामाग्य गंधम सकल भूमिधाम ओम श्री बालाजी महाराज नमः ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम श्याम देवाय नमः 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 जहां पर भी मेरे वास्तव में समस्त
ग्राम निवासियों से निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी इस प्रांगण में आइए। आज बाबा श्याम जी आपके गांव में पधार चुके हैं, खाटू नगरी से चलकर आइए। कोई भी ऐसे ना बैठे, कोशिश करें माथा लेके और फिर बैठे। और एक तरफ मेरे भाई बुजुर्ग लोग और एक तरफ मेरी माता जी, आइए आदरणीय पंडित जी ने वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना की। आइए संगीत में आराधना वंदना आरंभ करते हैं। संगीत की देवी मां सरस्वती, वीणा मुद्र धारिणी, नमन करें तुम्हारे चरणों में हम सब मिलकर वारे सिंचे जवान की। आइए जय घोष जरूर करें दोनों हाथ ऊपर करके पुलिस सिंचे जवान की। आइए एक मधुर सी साज बजना सजने लगेगा। मधुर सिंह Thank you.
होली सीजे दरबार में एक बार अपनी रसना अपनी जीविया पूरी कर गए। बोलिए खाटे नरेश जी, बोलिए श्याम प्यारे की। आइए आज आपके शहर में बाबा श्याम जी विराजमान हो चुके हैं और एक धार्मिक स्थल पर जहाँ साक्षात माँ सरस्वती का वास है, बोले सच्चे दरबार की। आइए आदरणीय पंडित जी ने द्वारा पूजा अर्चना की। आइए गायन द्वारा गणपति भगवान की जय। मैं निवेदन करूंगा मेरे भाइयों से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जगह बहुत है, ये गैप थोड़ा खत्म कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। कोई नहीं, कंट्रोल कर लेंगे, आगे आ जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, आगे आ जाओ। Deva, Ganpati Deva, Guru.
गणपति भगवान की। आइए चंद शब्द में महाशय के चरणों में उसके पश्चात चले। कृपा है ना जाने कहां से बरस जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। कुछ महीने पहले मुझे गाना नहीं आता था, ये कृपा इन प्रभु की और मेरे गुरुदेव की, जिनके दिखाए गए रास्ते से चला हूं मैं। आइए बुलाने चला हूं उस शख्सियत को जिनके भजन से नई ऊर्जा नई चेतना का विस्तार होता है, जिनके भजन आज यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से इसके बारे में जब इससे मुलाकात होगी आप जान जाओगे ये कौन है। ये वो देव है जो अपनी ओर खींचता है। दिनों ने भोजन नहीं दिया, भोजन का प्रसाद नहीं दिया, वो भोजन का प्रसाद दे ऊपर तैयार है भंडारा भवन। आप बड़े खुश नसीब हैं, ऐसे धरती पर विराजमान हैं जो हरियाणा पंजाब का संगम है, जो हरियाणा और पंजाब का प्रेम है। और यहीं से सीमाएं शुरू होती हैं और प्रेम शुरू होता है।
कुरुक्षेत्र की पावन भूमि जहाँ पर माँ सरस्वती का घाट या तो विवाह में है या फिर आपके गांव में, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं। स्नान किया अपने हथियार भी धोए, ये ऐतिहासिक स्थल मेरे से ज्यादा से आप जानते हैं। एक बार अपने गांव के लिए तालियां हो जाएं और एक बार जिन्होंने इतनी मेहनत यहाँ की है और संरक्षक बन के इस स्थल के जो आज पूजा स्थल पर पूजा हो रही है, आज बाबा का आगमन हुआ है, ये हमारे पंडित जी की कृपा से हुआ। एक बार चाहूंगा जैसा नाम है धर्मराज वैसे ही काम है, जोरदार तालियां, जोरदार ये तालियां बजते नहीं भाई, एक बार प्रेमियों, मैं जिस विभाग में काम करता हूँ वह डाक विभाग पोस्ट ऑफिस, आपके गांव की शान है। आईपीएस रैंक का एक पर्सन हमारे मेघराज जी मित्तल आपके गांव से, जो पूरे हरियाणा के आज एडीपी और उनका भतीजा यहाँ से बैठा है, आप खड़े करना से कहा है तो ऐसा इंसान भी कम ही मिलता है जो इतनी बड़ी पोस्ट पर जाके भी सर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सला वरना रघुवर विमल जशो जो दायक फल चा बुद्धिहीन तेउ जानिए सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि खाटू श्याम मंदिर के पुजारी मोनू शर्मा जी जो आए हैं उनका स्वागत है गांव की ओर से और समंदर की ओर से और पंडित धर्मराज शर्मा आइए, पहली हाजिरी उन चरणों में जी पहले बताया Ram, Sia Ram, Sia Ram.
Hare Krishna, Hare Murari, Hare Radhe Radhe.
किया हिडिंबा ने एक राक्षसी होते हुए भी। हिडिंबा कौन थी? भीम की घरवाली, भीम की पत्नी। ताली बजती रहे बोले के साथ। और जब उनके घर पुत्र हुआ घटोत्कच, घटोत्कच की शादी मोरवी से हुई। छोटी कटी सुना रहा हूं। और मोरवी और घटोत्कच का पुत्र हुआ बरबरीक। जब जन्म लिया 14 साल की बच्ची की तरह लग रहा था। सिर पर बाल घुंघराले, शरीर पर बाल बब्बर शेर जैसे, और नाम रखा गया बरबरी। जब पैदा हुआ तो दादी की गोद में हंसने लगा, ज्ञान ज्ञान था। कहने लगे ये बच्चा विशुद्ध है। जैसे जैसे बड़ा हुआ दादी से पूछ बैठा कि संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है। दादी ने कहा मोक्ष। मोक्ष कहां से मिलेगा? दो तरह से, या तो हजारों लाखों वर्ष तपस्या करो, या फिर श्री हरि से बैर मोल ले लो। ये हरि कौन है? हरि इस द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं, जो विश्व में भगवान के अवतार है। और बड़ा सौभाग्य है आपका कि आपके इस गांव में भगवान विष्णु का मंदिर है। कहीं नहीं है, 2-3 मंदिर है पूरे भारत के अंदर। लक्ष्मी नारायण का मिलेगा आपको हर जगह, मिलेगा राधे कृष्ण का मिलेगा बहुत कम मिलेगा। इस धाम की तो जय बोलनी चाहिए और ये धाम उजागर होना चाहिए। पता नहीं क्यों फिर पीछे है गांव। जहां पर इतना बड़ा धाम हो और उसका नाम ना हो अजीब सा लगा। जब पंडित जी ने बताया, धर्मराज जी ने बताया कि ये गांव इतना ऐतिहासिक है कि 1300 साल पुराना मंदिर हिंदू धर्म बचाने के लिए ही सिख धर्म की स्थापना हुई थी। आपको पता होना चाहिए। और इस सिख धर्म ने हिंदू धर्म को बचाया है। ये प्रेम यहां पर रखता है, इस धरना पर। जब दादी ने कहा कि श्री हरि से बैर ले लो या फिर उसको गुरु बना लो, गुरु बनाने के लिए चल पड़ते और मंत्र क्या दिया जो मैंने पढ़ा है। कौन सा मंत्र? गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और कैसे पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर, दरवाजा बंद, कहने लगे अरे ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया की दर्श दिखा जाओ, और आके दर्श दिखा जाओ। जैसे भगवान किसी आए, बच्चा कौन है? मैं आपका पुत्र हूँ, भीम का पुत्र। क्या लेने आए बच्चा? मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। मैं आपका गुरु नहीं हूँ। मैंने इस युग में केवल एक को अपना शिष्य बनाया है, वो है अभिमन्यु। बाकी को मैंने बनाया। गुरु बनाना है तो ऐसी ब्राह्मण को बनाइए जो जन्म से गुरु होता है।
और भेज दिया विजय ब्राह्मण के पास। ओ मेरा कोई ना सहारा भी नहीं, समझ गया कोई ना कोई बात है। मैंने आपको गुरु बनाना है, शिष्य बनना है। क्या चाहिए? और शक्तियां चाहिए जिसे भी बाकी बिहारी को भी हरा सके। जनवरी और दिसंबर के महीने में से महार हो गुरु ने उस महीने में आधे पानी में शरीर ऊपर आधा आदि शक्ति महादेव की पूजा की गई, आराधना की गई। महादेव आए, आदि शक्ति आई, तीन बार दे दी। एक बार से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त हो सकता है। तो भोलेनाथ जी जो देते हो लेके बाण चल पड़ा। तीन बाण धारी मेरी में मायारी, तीन बाण धारी मेरी में मायारी, लेकी अस्वारी मेरी में मायारी, लेकी अस्वारी मेरी में मायारी। जैसे ही माँ के पास पहुंचा, माँ ने बिना सोचे समझे कि बेटा क्या लाए हो, तीन बाण लाया हूँ। माँ को डर था कि पांडव पांच हैं, कौरव 101 हैं, पांडव हार जाएंगे। बिना सोचे समझे कह दिया कि बेटा हारेगा सहारा बनना। माँ से वरदान मिला, वचन ले लिया भाग लेने के लिए। बांके बिहारी ने देखा कि आ गया बलि। जाने जानते अमित थे ब्राह्मण भेष बनाया। जैसे ब्रह्मदेव जा रहे की बाला कहा जा रहे हो? ब्रह्मदेव माँ भाग तो हो रही है, मैं उसमें भागने निकलेगा, बच्चा है। वहां पर विषम पिता में गुरु द्रोणाचार्य, महाबली कर्ण, अर्जुन और भीम जैसे मारती हो, तेरा क्या काम है? मेरे पास शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं? तीन बाण है, बच्चा था। अच्छा दिखाओ। एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गया, एक पत्ता अपने पांव के नीचे डाल दिया, कहा कि पीपल के पेड़ के पत्ते बीत गए। जैसे बलभद्र ने बाण चलाया, बाण पत्ते बीन के आया और श्री प्रभु ने पांव हटाया। एक पत्ता वहां भी तीर पांव की ओर आया। समझ गया इसको कोई नहीं हरा सकता। बच्चा आपकी योजना क्या है? हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, जो हारेगा मैं उसकी ओर होऊंगा। ऐसे तो युद्ध समाप्त नहीं होगा। फिर चल दिया उछलिए नहीं। क्या बलि? यदि इस विश्व का कल्याण चाहता है, इस ब्रह्मांड का कल्याण चाहता है, एक नर बलि देनी पड़ेगी। और नर बलि या तो तेरी होगी, या भगवान कृष्ण की होगी, या अर्जुन की होगी। इन तीनों में से एक ही देनी पड़ेगी। समझ गया बलि? ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण में चुया नहीं मार सकता। और ये तो बात करता है ना कि प्रभु अपने असली वेश में आ जाए।
श्री भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। बरबरीक ने कहा कि प्रभु आप बिन सारथी कौन, अर्जुन बिन महारथी कौन, बलि मेरी होगी, मैं दूंगा। तलवार उठाई और शीश धड़ से अलग कर दिया और हाथ में शीश लिख लो प्रभु, मेरे शीश की दानी का सारे देखना चाहता हूं। श्याम कैथल में तीन गांव हैं, एक सिसला जिसमें शीश दिया गया, एक सेरधा जहां पर शीश रखा गया, एक सिसमोर जहां पर मोर का पंख उतार के ये मोर छड़ी बनाई गई। पूरा महाराज हुआ, पांडवों की जीत हुई, पांडवों को घमंड हो गया। भीम कहते हैं मैंने युद्ध जीता, अर्जुन कहता है मैंने जीता, बाकी बिहारी हंसने लगे जोर जोर। अर्जुन समझ गया कि कोई बात है कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो मेरे साथ इस महाबली के पास आ गए, कहा बलबरी तुमने क्या देखा? कि प्रभु मैंने कुछ नहीं दिया, तो देखा होगा, मैंने देखा कि आपका सुदर्शन चक्कर चल रहा था, सबको काट रहा था और द्रौपदी चलो भर भर के उधर पी रही थी। इसलिए मेरी माता बहनों, किसी लड़की का नाम हम द्रौपदी नहीं रखते, बहुत कम रखते हैं, मां काली का अवतार थी, लेकिन कृष्णा नाम उसी का है, कृष्णा नाम भी उसी का है जो घर घर मिलेगी आपको। कृष्णा नाम घर घर मिलेगा। श्री बांके बिहारी ने बधाई दिया कि बलि तुम्हारे नाम से पूजा जाएगा, जब कलयुग आएगा और जो कलयुग में भूल के भी तेरे द्वारे पे आ गया, मैं विधाता हूं मेरा लिखा लेख समाप्त हो जाएगा और तेरा लिखा लेख शुरू हो। इसलिए जो इस कलयुग में इस द्वारे पर आता है उस विधाता का लेख समाप्त, इसका लिखा लेख शुरू होगा और तू सबकी झोलियां भरेगा। अब बर्बरी करने लगा, वारे यहां भी छल कर लिया, दो बार मेरे से आपने छल किया प्रभु, तीसरी बार भी कर रहे हो, क्या बात? हाथ मेरे है नहीं, पांव मेरे है नहीं, मैं झोलियों का काट करूंगा नहीं। बर्बरी कलयुग आ रहा है, तेरा कृष्ण जा रहा है, ये मोर का पंख मेरा किसी काम का नहीं है। श्याम प्रेमियों मोर छड़ी बनाई और बरबीर के पास रख दी, यही तेरे हाथ होंगे, यही तेरे पांव होंगे, इस मोर छड़ी से तू झोड़ियां भरेगा। इसलिए जब भी मंदिर में जाए प्रसाद मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मोर छड़ी का जाड़ा श्याम मंदिर से जरूर देख ले आए, बोलना मत कर, बोलिए खाटू नरेश की। मोर छड़ी वाला बाबा भी बोली, मोर छड़ी वाले बाबा की जय। ये कथा यदि आपको समझ में आई, ये कौन है? ये कलयुग के भगवान को है, जो जब भी आप जाओगे जो विधाता ने लिखा है उसको भूल जाओ, जब इसके दरबार में जाओगे एक विश्वास दे मेरे को, मेरी कुंडली के अनुसार ब्राह्मण ने कहा था, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण से लखदातार की सावरिया सरकार की। आइए पहला वर्ष मोर छत्री का, उसके बाद फिर जैसा आप चाहेंगे। हमारे बीच में बबीता अग्रवाल और बेटा दर्पण जो एक नाम है पूरे श्याम जगत की शान है हमारी,
आइए कि मोर्च ऋषि क्या क्या करते हैं बन जाएगा जीवन बन जाएगा क्यों बन जाएगा मोर दूसरी बार हो गए उसके साथ तो बड़ा आनंद आएगा उठाओ दोनों हाथ दोनों हाथ से देखते जीवन बन जाएगा कुछ नहीं कह पाते एक भी नहीं कह पाते लेकिन ये बाबा ऐसा है जो आपने सोचा है वो पहले ही पहुंच जाता है ऐसा बाबा है गजब का बाबा आइए
जिसे ये रास आ गया उसकी मौज हो गई। एक बार बात करके जो गैप है इसको बता लो, अच्छा लगेगा। आ गया कहानी है। कैसे बच्चे की जो स्नेह के नशे में पड़ गया, घर से बर्बाद हो गया, किसी श्याम प्रेमी को मिला और श्याम प्रेमी अपने साथ अपने खर्चे पर उसे बस में ले गया। बहुत बसें जाती है कनौरी से भी, पटना से भी, हर शहर से जा रहे हैं। आपके पटना में मंदिर बन रहा है, चौरी बन रहा है, मानसा, सुनाम, पटियाला, हर जगह बन रहा है। अब भगवान ने चाहा, इसकी इच्छा हुई तो भगवान परशुराम का मंदिर यहाँ पर है। तो अगली बार जब हम आए तो मंदिर की नींव नींव तक पहुंच सकते हैं। श्याम प्रेमियों एक आस लेके और श्याम प्रेमी उसको ले गया कि बाबा नशा मुक्ति ने भी काम नहीं किया, गया है तेरे दर पे आना जा, मुझे रास आ गया किसको मिल चुका है। दोनों हाथ खोल चित्र आइए, मुझे रास आ गया अपनों के मन लगा।
में एक प्रेमी मिल गया हमारे कहने साथी एक प्रेमी बताया बताने यहां पर आता है नेहा की भी सुनेगा विश्वासी जगाया नेहा की भी सुनेगा विश्वासी जगाया रखता है आज उसी की रखता है आसे फिर लाखों में संख्या आई हजारों में आई फिर लाखों में आई अब करोड़ों में जब कीर्तन होता है सिटी लेवल का 25-30 हजार की गैदरिंग होती है जो उम्मीद भी नहीं होती आज ये होने लगे आइए एक भजन और ऐसे सुना उसके बाद फिर देखते हैं बोली श्याम प्यारे की कहाँ जा रहे हो उठता नहीं होता कीर्तन में से कथा में से तो आओ ना एक बात ध्यान ध्यान इस ब्राह्मण या तो घर से ना आओ यदि घर से आ गए कथा की आरती तक कीर्तन की आरती तक बैठ उसका फल मिलेगा बीच में जाने वालों का वही बीच मझधार में नहीं आया पार करना एक श्याम प्रेमी ने कहा कि बाबा सुना है कि आपको कलयुग सारा आपके नाम करके इसकी बाकी भी आ रही है और इस कलयुग में मीरा हुई कलयुग में है क्या मैं इस कलयुग से सुनने का तू आए खेल तेरे गजब निराले मैं बेटा तू बाप इसके साथ जिसने भी रिश्ता बनाया एक ऐसा संसार में दे रहे ब्रह्मांड में हजार गालियां दो हजार बातें सुनाओ फिर भी आपका है ऐसा कोई नहीं हो सकता जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाओगे तो बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा आपको सीताराम 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 है ना ऐसा जब भोलेनाथ जी के मंदिर में जाओगे तो ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय बम बम भोले भोले और जब मां सरस्वती के मंदिर में जाओगे ओम ऐं सरस्वती नमः जब महाकाली के मंदिर में जाओगे ओम चंडे खून लिखा मिला लेकिन ये दरबार आला दरबार है जहां भी आप जाओगे एक लाइन बड़ी प्यारी सी लिखी मिलेगी हारे का सहारा बाबा श्याम आवाज नहीं आई आई बाबा श्याम कोई रिश्ता बनाई मीरा ने पति रूप में धारण किया तो बन के आए कर्मालाई ने बेटे के रूप में पाया 19 साल की उम्र में विचार करती हुई 6 साल की बच्ची बेटे रूप में पाया और नरसी ने बेटा बना करके भात भरवाया ये वो है सुनने मेरे खातू वाले खेल तेरे गजब निराले मैं बेटा तू
बिना नरसी कर्मा का भी मान बढ़ाया है, मेरी बाड़ी क्यों ना बाबा अब तक आया है, सुन ने मेरे खातू आए
سہارے لکھ داتا شام رمی ہم ایک انتمی لائن بڑی دلچسپ لکھتے ہیں نام کی مانگ زہر کس نے پیا میرا بھائی میرا بھائی آئیے کس کے نام پر کس کس کو وشواس ہے ہمیں وہ بھجن بنوانے کے لیے سنانے جا رہا ہوں جو شام جنت میں گائے جاتے ہیں اور جس دن سے بابا آتے ہیں رجاتے ہیں ہم لوگ آئیے ایک دو بندہ اور رہو اس کے بعد آئیے یہ بابا میں نے کہا کہ لاج بچانے لاج بچانے لاج بچانے میری لاج بچانے والے میں تیری شرن میں آیا لاج بچانے والے میں تیری شرن میں آیا میں واپس نہ جاؤں دل میں سوچ کے آیا میں واپس نہ جاؤں گا دل میں یہ سوچ کے آیا وہ دینا ناتھ ہے ہم تو آلات ہیں بولو اس کی شکتی کو جگانا ہوتا ہے وی ہنومان جی اور یہ دونوں بابا ایک ہیں ان کو یاد کرانا پڑتا ہے بابا جب سیتا ماں کی کھوج ہوئی بجرنگ بلی بھول گئے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو جامن جی نے یاد دلایا کہ ہے اندھے تم نے تو بچپن میں سورج کو بھی اپنے اندر کر لیا تیرے میں وہ پاور ہے جو کسی میں نہیں ہے جا یہ سات سمندر کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہی ہوا جب جاگا ایسے جگانا پڑتا ہے کہ بابا تجھے وردان ملا ہے یدی ہمارا کام نہیں ہوا تو تیرا نام بدنام ہو جائے گا ہے نا میری لاج بچانے والے میں واپس نہ جاؤں دل میں سوچ دیا میں واپس نہ جاؤں دل میں سوچ دیا تو دینا ناتھ ہے ہم تو اناتھ ہیں تو دینا ناتھ ہے ہم تو اناتھ ہیں جس نے فریاد کرنی ہے دونوں ہاتھ اٹھا دو دونوں میری جو لاج ہے میرے تو ہاتھ ہے
Yeah.
ऐसे नहीं अब नहीं बैठ रहा आजा सभी जवान नहीं आप भी आते हो ना 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 कोई बात नहीं बूढ़ा नहीं इतने बूढ़े भी कोई नहीं होया सेठ वाला आजा मन के हारे हारे और मन के जीते जिस दिन आपने आपको पूरा मान मान लिया We'll be right back.
هريانة كنت نغاتي هريانة كنت نغاتي هريانة كنت نغاتي ये तो बस किसी तरह में भाषा बड़ी कमाल की है बड़ी कमाल की भाषा पंडित जी माफ माफ करना क्योंकि मैं पेड़ ले आया है जो मुझे पता है आज दिन बोलेंगे पंजाबी तो थोड़ी सी तो किथो कानू की गणा है ओ उकड़ गए फिर बोल बोल दिया अपना मतलब सारे तो बिट हो गए वाह भाई वाह आओ देखो बड़ी अच्छी है कि इन तीनों चारों शहरों में तीनों चारों भाषा का प्रयोग तो हो गया अनिरुद्ध तो कहने से जाएगा जी मैंने पंजाबी बोल दी गए हमारी भाषा में जो कहते हैं कि मैं क्या बोल रहे हो आप कैथरी भाषा बोलते हैं उसे क्या कैथरी तेरे पास आया हूँ ये अरदास आया हूँ तेरे मोरचनी का झाड़ा तेरे जो मोर से झाड़ा लेना चाहते हैं दोनों हाथ उठाएंगे और जो बिल्कुल बाबा के करीब जाना चाहते हैं वो खड़े होकर हाजिर हो जाएंगे आई आई दे दे मोर चली का झाड़ा दे दे
पंडित जी ने मोर छड़ी का झाड़ा दिया। धन्यवाद पंडित जी का, आइए मेरी ओर से इतनी हाजिरी कबूल। यदि ये कथा आपको समझ में आई, भजन तो आपको समझ में आ गए हो, लेकिन मेरा आने का मकसद केवल एक ही होता है इन बच्चों के साथ, कि जहां पर नहीं पहला जागरण या संकीर्तन होता है वहां पर कथा का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अब आपको पता लग जाए कि बाबा कौन है। जब आपकी सीधी बातचीत इससे होने लग रहेगी तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्याम प्रेमी, इस ब्राह्मण का केवल उद्देश्य एक ही रहा है, बड़ी अच्छी सी नौकरी, दो दो स्कूल, बड़ा कुछ दिया है बाबा, आनंद आ रहा है जी, आनंद इतना आ रहा है कि दिन रात केवल एक ही लगन है और कभी ना कभी तो आएगा, मिलेगा और आएगा, ये विश्वास है। तो विश्वास है तो भगवान है, आइए बोली श्याम प्यारे की अगली आवाज हमारी बिटिया की।